राइट देखिए, हम लोगों ने कल भी यही समझा था कि जो ब्रिटिश शासन है ना, उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हर हाल में मुझे अपने लाभ को बढ़ाना है, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपने लाभ को बढ़ाना है। और लाभ कैसे बढ़ेगा? कि या तो मेरे पास बहुत सारे संसाधन हो जाए, नंबर वन, और दूसरा मेरे साथ जितने भी कॉम्पिटिटिवस है ना, जो कॉम्पिटिटर्स है, प्रतिस्पर्धी है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। अब देखिए, बाकी अगर मतलब प्रतिस्पर्धी की बात करें तो इनके दो प्रतिस्पर्धी थे। एक थे जो बाहरी शक्तियां इनके ऊपर आई हुई थी, यानी बाहर से आई हुई यूरोपीय शक्तियां, और जो एक इंटरनल इंडिया में जो लोग थे वो। तो कहीं ना कहीं इनको, इन दोनों को हटाना था। तो जो बाहरी शक्तियां थी वो धीरे धीरे करके हट रही थी, एक शक्ति बची है फ्रांस। तो इनको फ्रांस को एक तरफ देखना है, और दूसरी तरफ भारत में जो भारतीय लोग हैं, इनसे अपने कंपटीशन को लगातार कम करना है। सेकंड चीज जो इनको चाहिए वो है संसाधन, संसाधन रिसोर्सेस। अब आप रिसोर्सेस में देखो तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होगा? लैंड, जमीन सबसे बड़ा रिसोर्स होगा ना। जमीन से टैक्स भी मिलेगा, जमीन से आप उपज भी अपने हिसाब की करा लेंगे। तो हर हाल में, अभी आगे हम लोग क्लासेस में देखेंगे कि क्यों ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा फोकस ही किया लैंड पे, है ना, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, ये सब चीजें लाई तो लाई क्यों, राइट? खैर, अभी तो आंग्ल मराठा पे रहते हैं। तो इनके दिमाग में ऑब्जेक्टिव एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ है, हर हाल में अपने लाभ को बढ़ाना।